पर कहा साहब के बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने शेर कहा कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। पिता जब पुत्र को बाजार में ले जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बच्चा 200 रुपए के सामान को खरीदने की जिद करता है, उस वक्त एक पिता की विवशता और बच्चे की जिद, इसके बीच के एहसास में खड़े होकर पंक्तियां सुनिएगा, पिता क्या होता है। अमिताभ जी आपको समर्पित करता हूं, अमर सिंह जी बैठे हैं। पिता, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता, पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता, पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता, पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता, पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता, पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं।